जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं क्लास टेंथ का भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये ज्योग्राफी पढ़ने से पहले कुछ हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, आखिर ज्योग्राफी हम लोग पढ़ना क्यों चाहते हैं। पहले तो बता दे, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, और ज्योग्राफी का जो हिंदी होता है वो होता है भूगोल, भूगोल। अगर जो बात किया जाए ये जियो प्लस ग्राफो से बना है ज्योग्राफी। जियो का जो अर्थ होता है वो अर्थ जो होता है जियो को जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, और ग्राफों का जो अर्थ होता है से लिखना या वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना। अगर जो इसको बोले तो भू प्लस गोल से बना है जो भूगोल, और भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। यानी पृथ्वी पर हम अपने शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उसको हम लिख कर वर्णन करें या उसके बारे में वर्णन करें, ये कहलाते हैं ज्योग्राफी। अगर जो बात किया जाए कि ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है वो आपका होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अगर हम बात किया जाए कि ज्योग्राफी का पितामह यानी पिता या जनक किन्हें कहा जाता है, तो सबसे पहला आंसर होगा हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक यानी ज्योग्राफी का जनक कहते हैं। क्लास टेंथ में आपका सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन कहते किसे हैं? कहा जाए कि पृथ्वी के वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन के लिए परिसंपत्ति बन जाए यानी उसका उपयोग में आ जाए संसाधन कहलाता है। अपने शब्दों में कहे, संसाधन जब किसी भी वस्तु को हम उसे प्रयोग में लाए और जब प्रयोग में लाकर हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करें तो वह संसाधन कहलाता है। अपने अपने भाषाओं में अलग अलग तरीकों से संसाधन का वर्णन किया जा सकता है, संसाधन को परिभाषित किया जा सकता है। अगर जो बात किया जाए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन अगर जो बात किया जाए कि हम सबको परिभाषित भी करेंगे, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन
इसको गैर संसाधन भी हम लोग कहते हैं। आपसे अगर जो पूछे कि मानवीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है मानवीय संसाधन, जो पहला होता है वो होता है संरचनाएं एवं संस्थाएं। ये पहला, और जो दूसरा होता है, ये पहला होता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, और जो दूसरा होता है वो होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। गुणवत्ता अगर जो बात किया जाए कि यहां तक में हम लोग पढ़े और इतना चीज को हमको जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है, ये चीज को हमको रखना ही रखना है। लेकिन इसके से पहले कुछ हम विचार करें कि सबको बारीकी से समझने के साथ साथ, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, अगर जो बात किया जाए कि सबसे पहले बात किया जाए कि मानव जो होता है अपने आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी चीज को प्रयोग में लाने के लिए उसको खोज करता है, उसको चाहत करता है, उसकी आवश्यकता होती है, तो मानव एक अनेक प्रकार के नए चीजों का खोज करने में लग जाता है। हम उसे भी संसाधन कहेंगे, जैसे ये पेन संसाधन का रूप है, कपड़ा संसाधन का रूप है, ये बोर्ड संसाधन के रूप है। अभी जितने भी हम लोग नए नए चीज को तकनीकी विभाग में ला रहे हैं, ये सब संसाधन है। कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। जैव संसाधन को सजीव कहते हैं, इसको निर्जीव कहते हैं। हम इसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं, इसे अजैव मंडल के नाम से जानते हैं। जैव मंडल जिसमें जान हो उसे हम जैव मंडल कहेंगे, और जिसमें जान नहीं हो उसे हम अजैव मंडल कहेंगे। एकदम अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार इसको परिभाषित करें, जिसमें जान हो उसे जैव कहेंगे, जैव मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें जैव नहीं हो उसे अजैव मंडल के नाम से जानते हैं। यानी जो निर्जीव वस्तु हो, जैसे कुर्सी, टेबल, ये सब आपको क्या अजैव मंडल है। तो हम इसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बताएं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, तो बताइएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा जैव। जैव मंडल का दूसरा नाम जैव होता है, या जैव मंडल कहते हैं, या सजीव, और इसे निर्जीव यानी अजैव मंडल के नाम से जानते हैं। आज का क्लास इतना ही तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। जय हिंद, जय भारत।